जंगली हरामी कुत्ता कमीना सुअर मादर बस चो। बस हो गया। अबे एडिटर, कोई अच्छा फोटो है तो लगा दे भाई, नियत खराब हो रहा है। आज इसी का बात होने वाला है। तो बेड़ो लोग, आज हम बात करने वाले हैं सच में जंगली कुत्ते कमीने की। आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे प्रजातियों के बारे में जिसके सामने अगर आप आए तो आप धनिया पुदा जाएंगे। मास्चो पीरू और चिगारिनू। ये प्रजाति पीरू के मर्डरे डेडोइस इलाके में रहती है। ये इतनी हरामी प्रजाति है कि इसके सामने जाना तो दूर, आप इसकी महक से ही मर जाएंगे। आप इसकी महक का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर पांच आदमी मिलकर रजाई में रात भर पा दे तब भी इतनी महक नहीं होगी जितनी इसकी चलने से होगी। तो बीड़ू लोग, ये गर्मी के पूरे दिन लसपिरदस नदी के किनारे रहता है और ठंड या बरसात आते ही अमेजोन जंगल में चला जाता है। अमेजोन जंगल के बारे में जानते हो क्या? घंटा जानते हो? ऊपर आई बटन में लिंक है, जाओ देखो। फिर भी भाई लोग, आपके जानकारी के लिए बता दें, एक दिन एक आदमी के गांड में खुजली हो रहा था। वो 2012 में इनके इलाके में गया। अब गेस कर लो क्या हुआ होगा। मतलब हाथी के गांड में आदमी जाकर वापस आ सकता है पर वहां से नहीं आ सकता। इसके वहां पहुंचते ही उस प्रजाति का एक आदमी भाला लेकर इसका डाल देता है सीने में, जिससे इसकी मौत हो जाती है। अभी तक इस प्रजाति का कुछ ही वीडियो बनाया गया है दूर से। अब बताइए, जिस प्रजाति के सामने जाते डंटा कर देती है, प्रजाति का वीडियो कहाँ से बना पाएंगे। तो बीड़ू लोग, आप में से जो कोई भी या जिसका भी सनी लियोन को देख के छू जाता है वो यहाँ जाए और अपना मर्दांगी अपनाए। टोटो बाइगो सोडा ट्राइब। तो बीड़ू लोग, ये प्रजाति प्रग्या और बोलीविया के कुछ इलाके में रहती है। ये वैसे तो ज़्यादा आक्रमण नहीं करती है, लेकिन अगर इसका दिमाग घूम गया तो कहाँ से डाल के कहाँ निकालती है पता नहीं चलता है। 1940s के दशक में कुछ किसान जंगल काट कर इनके इलाके में घुस के इनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब क्या, इनके हाथ में तो चूड़ी है नहीं, इन्होंने भी भाला बाँस का लिया और डंटा करना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों में घमासान युद्ध मार हुआ। हर जमाने में जंगल कटने के वजह से इन प्रजातियों को हमेशा दिक्कत का सामना करते रहना पड़ा है। 2011 में यूनाइटेड नेशन की गवर्नमेंट ने प्रज्ञाएं गवर्नमेंट को इन प्रजातियों को बचाने का हुक्म दिया, लेकिन घंटा कुछ होने वाला है जब जॉनी साइन लिफ्ट देने के बहाने क्या क्या कर सकता है, जंगल कटना कैसे रुकेगा। मुर्सी ट्राइब। ये प्रजाति हरामी होने के साथ साथ कमीनी भी होती है। तो बीड़ो लोग, ये प्रजाति साउथ इथियोपिया और सूडन बॉर्डर में रहती है। ये कमीनी इसलिए है क्योंकि ये अपने साथ AK-14 जैसे आधुनिक हथियार रखती है। ये ऐसे हथियार खरीदने के लिए जंगली जानवरों का सौदा करती है। अब समझ ही लेंगे, जैसे AK-47 रखने वाला आदमी वहाँ जाना तो दूर, कितना दूर से आपका डंटा करेगा सोच लीजिए। फिलिचोरस। तो भाई लोग, ये जनजाति पश्चिमी ब्राज़ील के जंगल में रहती है। इसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिक्कत तब क्रिएट हो गया जब इसके बगल के एरिया से गोल्ड माइन यानी सोना होने का अंदेशा मिला ब्राज़ील गवर्नमेंट को। खुदाई का काम शुरू होते ही कुछ दिन बाद इन प्रजातियों के 10 आदमियों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद इनके 10 के 10 प्रजाति के आदमी जिंदे पकड़े गए, लेकिन अब ये देखकर कोर्ट भी परेशान, करे तो करे क्या। तब से इस इलाके में दिक्कत होती रहती है। तो अगर आप अगले गांधी बनना चाहते हैं तो जाके इस दिक्कत को सॉल्व करें। मोकेन ट्राइब। ये जनजाति अपना ज़्यादातर टाइम नाव पे बिताती है। ये समुद्र में मछली पकड़ते हैं और अपनी गुजारा करती है। ये बर्मा और थाईलैंड के बीच के समुद्र में रहते हैं और इन दोनों देशों की सरकार इन समुद्री एरिए को हथियाने के आरोप एक दूसरे पर लगाती रहती है। इस जनजाति की सबसे बड़ी दिक्कत है गंदा पानी, क्योंकि आज के दौर में पानी बहुत तेज़ी से गंदा हो रहा है।